वैसे तो बहुत तरीके के हैक्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए लेडीज यहाँ बहुत से गर्ली हैक्स हैं, जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। और जब बात आती है गर्ली हैक्स की, तो थोड़ी ट्रिकरी और बहुत डरावनों में बस थोड़ा ही अंतर होता है। देखो मैंने क्या कहा, हर लड़की को पता है जब तैयार होने की बारी होती है तो अपने बालों को बनाना दिन की सबसे मुश्किल चीज है। ठीक है, चलो कर्लिंग करें, तो चले आगे से शुरू करना। अच्छा है एमी, मैं सोच रही हूँ क्या वो मैं आज नई ड्रेस पहनूं? वो लगता है आज बिजली ने ही एमी के बाल बना दिए। एमी तुम्हारे बाल, कोई बात नहीं एमी, हमारे पास इसे ठीक करने के तरीके हैं। क्या ये पुरानी सॉक मदद करेगी? हाँ सच में, सबसे पहले कुछ बाल ली और इन्हें बाकियों से अलग कर ली। अब जो स्टैंड आपको चाहिए उसके बीच में सॉक्स को बांधी, ध्यान रहे कि ये टाइट हो। अब बाकी कपड़े पर अपने बाकी के बालों को घुमाएं, आसान है ना? और जब आप नीचे तक आ जाएं, इसे एक इलास्टिक से बांधें और जब आप इसे दोनों तरफ कर लें, तो आपका काम यही खत्म होता है। अब बस आपको इंतजार करना है और ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कितनी ज्यादा कर्ल्स चाहिए, पर एक घंटा बहुत है। ठीक है, चलो इसे खोलकर जादू देखें। तो चले, क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या ये कर्ल्स सच में बिल्कुल आयरन के किए हुए कर्ल्स की तरह है? कोई बात नहीं अमी, मैं आग बुझाने वाला। ओह लगता है हेयर स्टाइलिंग आसान हो गयी है ना लेडी? मैं रुक कर अब स्नैक खा सकती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो देखते हैं, मुझे पेपर या नमक नहीं चाहिए। ओह स्पाइसी ड्रेसिंग ये काम करेगी। ठीक है तो चलो, चलो भी बाहर निकलो, इसमें तो बचा होना चाहिए। मुझे बस कुछ ही ड्रॉप्स चाहिए, शायद मैं इसका ढक्कन खोलूं तो इसमें से निकल जाए। नहीं, एक आखिरी बूंद बची थी और वो मेरी टी शर्ट पर आ गई। सच में इसमें कोई है? ये स्टेन इमरजेंसी है लाना, शायद ये पानी से हट जाए। ओह इसने काम नहीं किया। यहीक्स लाना, मैं क्या करूं? शेविंग क्रीम, इसे ट्राई करना चाहिए है ना? अगली बार अगर आपके कपड़े गंदे हो तो इसके ऊपर काफी सारी शेविंग क्रीम डालें, इसे पूरे दाग पर अच्छे से फैला लें। अब इसको बहते पानी के नीचे रखें और फालतू शेविंग क्रीम को हटाएं। जब क्रीम निकल जाए तो अपने हाथों से अच्छे से इसे रगड़ लें। वाह ये सच में काम करता है, देखो। अगर इसे जल्दी सुखाना है तो इसके ऊपर कुछ मिनट के लिए ब्लो ड्रायर मारें। वाह लिली, अगर दाग को साफ करना सुपर पावर होता तो तुम हर लड़की की हीरो होती। ये रही तुम्हारी शेविंग क्रीम, मेरा काम हो गया। ओह हे लाना, लाना तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, पिंक तुम पर जचता है। हाँ ये तो रॉकर चेक हेयर है, अभी और भी है लाना। वाह मैं एकदम से अपने बोरिंग ब्राउन बालों से नफरत करने लगी हूँ। मैं समझ गई, अब ये आसान हेयर हैक देखो, बस ब्रश के ऊपर कुछ कलर डालें और बूम, तुम्हारे ऊपर एक एक्साइटिंग कलर एक्सप्लोजन होने वाला है। तो देखना लीली वो आ रहा है। वो तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारे बाल नीले हो गए। सुंदर हेयर क्लब में स्वागत है लीली, अच्छे से मेकअप करने में बहुत ही राहत है। जब तक आपकी बेस्टी ना आ जाए और शीशा बांटने लग जाए। सच में लाना, लिली तुमने सुना नहीं, बांटना अच्छी बात है। चलो भी लड़कियों लड़ो मत, इसे ठीक करने में समय लगेगा। ओह बेस्टीज, इनके बिना भी नहीं रह जाता और इनके साथ भी नहीं। गुस्सा मत हो लिली, तुम अपने गुस्से को एक रैंक में बदल सकती हो। हाँ चीजें शुरू हो चुकी है ना? लाना को अपना मेकअप बहुत अच्छे से करना है ना? ठीक है मैं इसे कुछ मेकअप लगाने के लिए दूंगी, बस एक दो ड्रॉप। ठीक है 5-6 ड्रॉप। तुम्हारा फाउंडेशन तैयार है लाना। ओहो एक और ब्रेकअप, ओह गुस्सा आता है। मैं इसे फाउंडेशन से कवर कर लूंगी, कोई बात नहीं। एक सेकंड रुको, ये मेरा शेड नहीं। मैं देखती हूँ क्या तुम इसके साथ कुछ कर सकती हो लिली, शायद ये किसी और चीज के लिए काम आए। लगता है किसी को सरप्राइज मेकओवर मिलने वाला है। अगर आप फाउंडेशन का गहरा शेड ब्रश पर हल्के से लगाएं, तो आप अपनी त्वचा पर फ्रेकल्स ला सकते हैं। वो ये बहुत सुंदर दिखता है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ है ना?
लगता है कभी कभी ट्रिक्स ट्रीट्स में बदल जाती है। ये तेज बॉबी पिन को काउच पर किसने रखा? इससे दर्द होगा। मेरे पैर में कुछ चला गया। मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम बदतमीज। ठीक है, मेरे पास बस कुछ ही मिनट है क्लास में जाने से पहले अपने आप को ठीक करने के लिए। इन्हें नहीं भूल सकती। मुझे कुछ मेकअप टचअप करना चाहिए। इन लाशेस को मदद चाहिए। देखती हूँ मेरा मस्कारा कहाँ है। वो कहाँ है? यीक्स! एक और बुरी बॉबी पिन आ गई। क्या ये चीजें मेरे लिए कोई साजिश रच रही है? अगर आप एक लड़की हैं, तो आपको पता है कि इधर उधर से बॉबी पिन हमेशा निकलती हैं। सच में कोई भी पर्स या बैग पैक खाली करो, आपको कुछ बॉबी पिन तो जरूर ही मिलेंगी जिन्हें आप भूल चुकी थी। देखा, बिल्कुल सही कहा। क्या इन्हें हमेशा इकट्ठे रखने के लिए कोई हैक है ताकि इधर उधर फेंक न जाए? मैं भूल गई, मेरे पास टिक टैक है। एक सेकेंड रुको, मुझे लगता है मुझे बॉबी पिन के लिए एक सोल्यूशन मिल गया। इससे पहले कि आप ये डिस्पेंसर को फेंके, इसे एक पेन होल्डर में बदल दें। बस उन्हें इसमें डाली और काम हो गया। आप इसे इस तरह निकाल भी सकते हैं, क्यों नहीं? अब जब भी आपको ये चाहिए, वो बिल्कुल पास में होगी, आपके पैर में नहीं। बहुत प्यारा है लाना। ठीक है, अब हमें जल्दी से क्लास में जाना चाहिए, पर इसके बिना नहीं। क्या वो बहुत सुंदर नहीं? वाह, तुम पिक्चर परफेक्ट लग रही हो लिली। लेकिन थोड़ा सा कॉन्टोर करने से चीजें और अच्छी दिखेंगी। ये मोटा ब्रश शार्प लाइंस नहीं बना सकता। हाँ, ये अच्छे कॉन्टोर के लिए बहुत फ्लफी है। शायद मेरा पिंक ब्रश काम करे। ये भी बहुत मोटा है। ठीक है, शायद ये छोटा वाला काम करे। ये भी ब्रश बहुत बुशी है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। परेशान मत हो लिली, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाती हूँ। क्या इस तरह के कुछ बॉबी पिंस हैं? अपना कोई भी बड़ा ब्रश ले ले और इसे अपनी उंगली से फ्लैट करें। अब इसमें बॉबी पिन लगा दे। जब ये हो जाए तो दूसरी बॉबी पिन ले और इन्हें क्रिस क्रॉस करके लगा दे। ये लेटर एक्स की तरह नजर आएगा। कॉन्टोर ब्रश लाने की क्या जरूरत जब आप इसे खुद ही बना सकते हैं? सोच रहे हैं कि ये काम करता है या नहीं? ये रहा प्रूफ मेरे दोस्तों। वाह, ब्रश से कितना फर्क पड़ता है ना? जब इस तरह के हैक्स की बात आती है तो बस जरूरत है कुछ इमेजिनेशन और गर्ली फ्लेयर की। ये गर्ली हैक्स कुछ आसान दिखेंगे, लेकिन ये थोड़े ट्रायल और गलतियों के बाद ही आएंगे। हमारे पास इसे प्रूव करने के लिए मजेदार ब्लूपर्स है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इन हैक्स को शेयर करना ना भूलें। 1-2-3 को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।